वो इनको अकॉर्डिंग क्लस्टर वाइज इन्फॉर्म कर दी जाती है, क्योंकि बीएससी ने बोला आप सभी को इन्फॉर्म करिए। संतोष 7 दिन के बाद आपकी सारी आशा वर्कर रैंड टेस्ट कर सके, कितनी देर रहेगी? और बड़ी चीजें हैं हमारे एरिया में, केस था जो घर में क्या क्या है, क्या किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन का बना थोड़ा दूर तरफ का एरिया है, हमारी वर्चुअली सारी ही पॉपुलेशन हम मान सकते हैं कि रूरल एरियाज हैं, हमारे अर्बन एरियाज हैं, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल कमेटीज हैं तीन हमारी, लेकिन ज़्यादा जो सारी पॉपुलेशन है वो यही कंसंट्रेटेड है। तो हमें सारे जो केसेज जो भी आएंगे ऑलमोस्ट रूरल एरिया से ही आएंगे, तो हमारा शुरू से फोकस पूरे एरिया पे ही रहा है। तो लास्ट ईयर भी मेजर्स अच्छे लिए गए, इस साल भी कंटेनमेंट मेजर्स अच्छे लिए गए, उसमें पब्लिक का भी अहम रोल रहता है कि किस तरीके से कोविड एफर्ट्स चीज़ों को करें और गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें। तो उसी में आज एक दो जगह जहाँ जहाँ कोविड केयर सेंटर, हमारे इंस्ट्रक्शन दी गई की थी कि हर पंचायत में हमारा कोविड केयर सेंटर है। पर्पस ये है कि ये कोई ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, इसमें आइसोलेशन सेंटर है ये, और गांव में इसमें यहाँ था हर पंचायत में कि अगर कहीं किसी के घर में कोई होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई जगह नहीं है या ऐसी आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हम एक अकोमोडेशन यहाँ तैयार करें, ताकि अगर किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आते यहाँ से, तो टाइम जो वक्त है क्वारंटाइन का, जो पॉजिटिविटी का वक्त, जो सिम्टोमेटिक केसेज हैं, जो इलाज देखना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वो यहाँ पर व्यतीत कर सके। तो यहाँ कोशिश की गई कि हर तरह की फैसिलिटी दी जाए, और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो हमारे एरिया में लगभग सर अच्छा व्यक्ति है, यहाँ पर एक पंचायत लेवल कोविड कमेटी बनाई है, 237 जो हमारे पंचायत हैं वो डोडा में, उसके लिए इसमें सरपंच हैं, उसमें आशा वर्कर्स हैं तमाम जो भी इस पंचायत में होंगी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, वो थोड़ा कमेटी को मैनेज करेगा कोविड केयर सेंटर्स को। तो 5 बेड्स यहाँ पर आपने खुद देखे हैं, यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, और कहीं कहीं जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे हैं, हालांकि ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ उसको नियरेस्ट सब सेंटर या नियरेस्ट PHC या हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के टाइम में जब ऑक्सीजन जरूरत है तो वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो दूसरा ये काम कमेटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने एरिया का ध्यान रखें, जहाँ लोग कुछ सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, उस तरह का सस्पेक्ट केसेस हैं, तो उनको इमीडिएटली जाके टेस्टिंग की जाए और उनको इमीडिएटली उनके इंटरवेंशन की जाए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम थोड़ी सी देर लगा देते हैं, बीमार होता है, फीवर होता है, 2-4 दिन की जगह 5-6 दिन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब अर्जेंसी बढ़ जाती है, एमरजेंसी के टाइम क्या होता है, डॉक्टर्स के पास उतना वक्त नहीं मिल पाता, तो उससे जो एक चीज़ रिकवर हो सकती थी टाइमली, वो रिकवर नहीं होकर वो डेथ की तरफ चली जाती है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, उसकी अवेयरनेस लोगों को दिलानी है, कि ताकि लोग जैसे ही उनको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं किसी भी तरीके से, तो उसका इमीडिएटली इलाज किया जाए, इमीडिएटली हमें पता चल जाए कि इसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो वक्त बर्बाद ना हो जो हमारा घर के अंदर या इधर उधर की ट्रीटमेंट जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उस पर निर्भर ना रहे। जी सर, मेजॉरिटी ऑफ जो पंचायत में PRIs का कहना है कि जो गवर्नर की